Hello everyone, so today we are going to study about the different types of pollination in plants. In the previous lecture we had a discussion about different types of pollination like cell pollination, cross pollination, different types of pollinating agents we discussed there in the part 1, right? Now we are moving on to the part 2. There we will discuss about anemophily. Then we will be talking about hydrophily. Then we will talk about entomophily. Look, in this video we will specify each type of pollination and there we will discuss about the adaptations, the facilitations, the structural, morphological, behavioral, positive aspects of the flowers. Those who perform anemophily, hydrophily and entomophily. इसका मतलब क्या बन जाता है? When we study about the anemophily or anemophilous flowers, we have to look at the different angles, right? Like about the flower, its habitat, ये कहाँ रहता है, ठीक है? या plant कहाँ रहता है? वो particular pollen grains के अंदर क्या खास बात है, जो उस particular type of pollination को possible बनाते हैं या comfortable बनाते हैं. So let's talk about each one along with certain examples, right? First of all, we are taking example of anemophily, है ना? तो देखिए, anemophily जो होता है, this word animals, animals means air, correct? And philine, philine word mean to say to love, to attract. Okay, this is the basic meaning of this anemophily. That a type of pollination where the agent is air. Okay, the pollination process is executed with the help of air. That means यहाँ पर एक abiotic agent काम कर रहा है और वो air का agent रहेगा. ठीक है? अब हमें ये देखना है कि जो flower anemophilous होते हैं, उनके अंदर क्या-क्या खास बातें होती हैं या होनी चाहिए जो उसको comfortable बनाती हैं. Correct? So if we talk about the flower, इनके जो flowers होते हैं, flowers are inconspicuous, inconspicuous. इस बात का मतलब होता है कि वो कोई बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होते. देखिए, हो सकते हैं उनकी स्ट्रक्चर तो निश्चित रूप से किसी न किसी फ्लावर की कुछ ना कुछ जरूर होगी, लेकिन इतने ज्यादा कॉन्स्पिक्यूअस नहीं होते जितना कि एंटोमोफिलस होते हैं. मेरे कहने का मतलब है जो फ्लावर इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होते हैं वो ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, ज्यादा स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, रादर एनिमोफिलस फ्लावर्स. ठीक है? तो फ्लावर्स जो होते हैं वो इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं. दूसरी बात, ये फ्लावर जो होते हैं इनके अंदर नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स ज्यादा रहेंगे. मेल फ्लावर्स आर मोर रादर देन फीमेल फ्लावर्स. ओके, देयर पोलन ग्रेन्स, जो इनके पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स आप समझ सकते हैं कि उन्हें एयर के अंदर फ्लाई करना है. पोलन ग्रेन्स जो होते हैं दे आर लाइट, हल्के होते हैं, कलरलेस हो सकते हैं, कलरलेस हो सकते हैं, राइट? एंड समटाइम्स दे कैन बी विंग, विंग उनके अंदर छोटे छोटे से पंख जैसे भी हो सकते हैं जो उन्हें उड़ने में हेल्प करेंगे. ठीक है? नंबर बहुत ज्यादा होता है जिससे आसानी से ये पहुंच सके अपने डेस्टिनेशन के ऊपर. ठीक है ना? इसके बाद जो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा जो होती है एक या ज्यादा हो, स्टिग्मा हेयरी होती है, हेयरी होती है, फ्लैट होती है, feathery, well exposed. ये सारी बातें इस प्लांट को फैसिलिटेट करती हैं, इस फ्लावर को फैसिलिटेट करती हैं क्या करने में, इसके पॉलिनेशन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं अर्टिका प्लांट का, अर्टिका. ओके, दिस हैज स्पेशल गन पाउडर मैकेनिज्म, गन पाउडर मैकेनिज्म. ओके, दैट मींस इन दिस फ्लावर द प्लांट हैज बर्स्टिंग मेथड लाइक ए गन, जहां से बहुत तेजी के साथ पोलन ग्रेन्स निकलते हैं. ठीक है? फ्लावर्स इनकॉन्स्पिक्यूअस होने के साथ साथ ऑडोरलेस भी हो सकते हैं, ऑडोरलेस भी हो सकते हैं. कैलिक्स, कैलिक्स एंड कोरोला दे आर रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड होते हैं. ठीक है? सो दीज आर द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर्स. ओके, जो फ्लावर एनिमोफिलिस से पॉलिनेट होते हैं उनको एनिमोफिलस फ्लावर्स कहते हैं. क्या बोलते हैं? एनिमोफिलस फ्लावर्स, राइट? सो आई रिपीट, दे कैलिक्स एंड कोरोला आर रिड्यूस्ड, फ्लावर्स आर इनकॉन्स्पिक्यूअस, ऑडोरलेस, मोर इन नंबर, मेल फ्लावर्स आर मोर, पोलन ग्रेन्स आर लाइट.
colorless, winged, and stigma is hairy, flat, feathery, well exposed. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जब एयर सर्कुलेशन होगा तो बहुत रैंडम प्रोसेस है, इसका मतलब नेचर उसे फैसिलिटेट करेगी कि पॉलिनेशन उसके अंदर आसानी से हो सके, राइट? सो हियर आई टोल्ड यू वन एग्जांपल ऑफ द अर्बिका दैट शोज द गन पाउडर मैकेनिज्म. गन पाउडर मैकेनिज्म दैट मींस द बर्स्टिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स एट अ सडन, राइट? सो इस तरीके का पॉलिनेशन के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वेरी फेमस, दैट इज मेज. मक्का में आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, ठीक है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एनिमोफिलस flowers. Now we move on to the hydrophilous flowers, right? Now we talk about the hydrophily, okay? Hydrophily. Obviously, you can understand feeling, that means to love, to attract. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया. Hydro means water, okay? Water. There the agent is water. That means the pollination takes place with the help of water. Okay, now you just see कि if the plant is being pollinated by the water, obviously, ये पानी के अंदर ही रहता होगा. तो अब हमें ये देखना है इस फ्लावर के अंदर नेचर कौन कौन से फैसिलिटेशंस प्रोवाइड करता है जिससे ये पानी के अंदर पॉलिनेशन को कंफर्टेबली करवा सके, ठीक है ना? तो देखिए इसमें क्या खास बात होगी, इसके भी फ्लावर्स के साथ यही खास बात होगी, दे आर इनकॉन्स्पिक्यूअस. इनकॉन्स्पिक्यूअस वो ज्यादा सुंदर नहीं होंगे. देन आफ्टर दे आर ऑडोरलेस. ऑडोरलेस ऑल्सो दे आर नेक्टरलेस. नेक्टरलेस. अब देखिए ये सब बातें क्यों आ रही हैं, ठीक है ना? अगर यही टॉपिक में पढ़ा रहा होता एंटोमोफिलस, क्या पढ़ा रहा होता एंटोमोफिलस, then the things would have changed. सारी बातें बदल जाती क्योंकि वहां पर फ्लावर का ऑब्जेक्ट होता किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, किसी एनिमल को अट्रैक्ट करना. लेकिन यहाँ ऐसी बात कुछ है ही नहीं, तो नेचर ने इनकी एनर्जी को एक्स्ट्रा वेस्ट भी नहीं किया और फ्लावर्स को इनकॉन्स्पिक्यूअस, ऑडोरलेस, नेक्टरलेस छोड़ दिया क्योंकि यहां पर उसकी आवश्यकता ही महसूस हमें नहीं हो रही है, ठीक है? So flowers are inconspicuous, odorless, nectarless. Then after we talk about their calyx, corolla, they are unwettable. वो भीगते नहीं है, ठीक है? Unwettable, गीले नहीं होते, unwettable, right? pollen grains, and stigma. Also unwettable, वो भी नहीं भीगते हैं, ठीक है? Stigma are long and sticky. Stigma are long and sticky. So these are the specific features of hydrophilous flowers. Which kind of flowers? Hydrophilous flowers. कॉमन सी बात है, जब ये हाइड्रोफिली होगा तो ये हाइड्रोफिलस अपने आप हो जाएगा. हाइड्रोफिलस फ्लावर्स विच आर इनकॉन्स्पिक्यूअस, ऑडोरलेस, नेक्टरलेस, कैलिक्स एंड कोरोला अनवेटेबल, भीगते नहीं है ड्यू टू सम डिपोजिशंस ऑफ केमिकल्स. पोलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा आर आल्सो अनवेटेबल, वो भी नहीं भीगते हैं. स्टिग्मा आर लॉन्ग एंड स्टिकी. सो दीज आर द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द हाइड्रोफिलस फ्लावर्स, करेक्ट? देखिए यहां पर मैं आपको एक बहुत ही यूनिक हाइड्रोफिलस फ्लावर के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर कितना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नेचर में भरा है, ठीक है? वैसे हाइड्रोफिली जो है आपको देखने को मिल सकती है जोस्टेरा में, यू कैन सी दैट इन वेलिसनेरिया. वेलिसनेरिया वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. लुक आई एम ड्रॉइंग द फिनोमेना हियर टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इसके अंदर कैसे ये चीज एग्जीक्यूट होती है, कितना सुंदर नेचर ने इस मैकेनिज्म को बनाया है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट. ओके, इन वेलिसनेरिया द प्लांट इज डायोशियस. प्लांट इज डायोशियस, इसका मतलब यह है कि मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है, ठीक है? अब देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म रन करता है. सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल, ऑब्वियसली इट्स एन एक्वेटिक प्लांट, पानी में रहता है. एंड दिस इज द लेयर ऑफ वॉटर. दिस इज द लेयर ऑफ वॉटर वेयर वी हैव टू सी द फिनोमेना, करेक्ट? नाउ सी दैट व्हाट दिस प्लांट डज. ओके, सो एज दिस प्लांट इज डायोशियस, वी विल ड्रॉ टू प्लांट्स हियर सेपरेटली. So I'm going to draw the two plants separately. This is the male plant that I'm drawing. This is the male plant. This is the male plant I'm drawing. And here I am drawing the female plant. Correct? I'm talking about the Vellisneria, right? अब ध्यान देखिएगा इसमें ऐसी क्या चीज होती है, ठीक है? यहाँ पर मैं draw कर रहा हूँ इसका inflorescence. क्या inflorescence? Inflorescence जहाँ पर ये flowers लगे हुए हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? ये flowers इसके अंदर लगे हुए हैं, ये flowers हैं इसके. और कौन से फ्लावर्स हैं? मेल फ्लावर्स हैं. कौन से फ्लावर्स हैं बेटा?
मेल फ्लावर से। आप देखिए यहां फीमेल फ्लावर को मैं आपको इंडिकेट करके बताता हूं, फीमेल फ्लावर में क्या खास बात होती है। देखिए ये इस तरह से ऊपर जाते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली दे रिमेन इनसाइड वाटर बिलो द वाटर लेवल बिफोर पॉलिनेशन। बिफोर पॉलिनेशन स्थिति क्या है कि जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर घुसे हुए रहते हैं। आफ्टर दैट व्हेन दे रिक्वायर द पॉलिनेशन प्रोसेस, देखिए क्या होगा, यहां से ये फ्लावर्स यहां से ब्रेक होंगे एंड दीज फ्लावर्स विल रीच टू द सरफेस ऑफ वाटर। दीज मेल फ्लावर्स हैव रीच्ड। इसी समय ये वाला पार्ट जो ट्रिफिड होता है, देखिए ट्राइफिड होता है, ट्रिफिड आप इसको कुछ ही बोल लीजिए, इसमें थ्री लोब्स नजर आते हैं, ये ऊंचा हो जाता है और पानी के सतह पर आ जाता है, पानी के लेवल पर आ जाता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, ये यहां पर पानी के ऊपर आ जाएगा। देन दीज मेल फ्लावर्स विल रीच टू द फीमेल स्टिग्मा, यहां पर आने के बाद ये रीच करेंगे और इनके अंदर पॉलिनेशन प्रोसीड हो जाएगा। जैसे ही पॉलिनेशन प्रोसीड होगा, देखिए फिर कितनी इंटरेस्टिंग बात होती है, पॉलिनेशन कंप्लीट होने के बाद ये फिर से पानी के अंदर ही चला जाएगा। सो लुक एट द मैकेनिज्म ऑफ नेचर, हाउ वेल दे एग्जीक्यूट देयर प्रोसेस एंड परफॉर्म द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हाइड्रोफिलस फ्लावर, वेयर वी टॉक्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइड्रोफिलस फ्लावर्स। ऑल्सो वी हैड एन एग्जाम्पल दैट इज कॉल्ड वेलिसनेरिया, दो अलग अलग प्लांट है बेटा, ध्यान रखिएगा, जोस्टेरा एंड वेलिसनेरिया। वी टॉक्ड अबाउट वेलिसनेरिया इन डिटेल, हियर वी सी वी ऑब्जर्व दैट इट इज अ डायोशियस प्लांट, मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट एंड लुक द स्पेसिफिक फिनोमेना दे परफॉर्म, करेक्ट। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द एंटोमोफिलस फ्लावर्स एंड एंटोमोफिली। नाउ वी टॉक अबाउट द एंटोमोफिली, वेयर द एंटोमो मीन्स इंसेक्ट एंड फिलिंग टू मीन टू लव, ओके। सो दिस इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन वेयर द एजेंट्स आर इंसेक्ट्स, ठीक है। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी फ्लावर के अंदर इंसेक्ट्स पॉलिनेशन होगा, ठीक है, तो इंसेक्ट यूं ही तो किसी फ्लावर के पास आएंगे नहीं। दैट मीन्स दे रिक्वायर सम अट्रैक्टेंट्स, उनके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से फ्लावर्स उनको अट्रैक्ट कर सकें, या उस प्लांट में ऐसी कोई खास बात होनी चाहिए जिससे इंसेक्ट को वो अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ और पॉलिनेशन एग्जीक्यूट हो जाए। सो वी सी सर्टेन कैरेक्टर्स ऑफ दोज फ्लावर्स, एंटोमोफिलस फ्लावर्स। वी सी दैट इन एंटोमोफिलस फ्लावर्स दे आर ब्राइटली कलर्ड, दे आर शोई, उनके पास बहुत चमकदार स्थितियां होती हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। दे हैव फ्रेग्रेंस, उनके पास बहुत अच्छी महक भी होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है उनके पास, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर एडिबल, दे मे हैव पोलन किट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो, दे हैव पोलन किट, ओके। येलो कलर का एक सब्सटेंस होता है जो इंसेक्ट की बॉडी में चिपका देता है पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। सो दीज आर सम स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द एंटोमोफिलस फ्लावर्स और एंटोमोफिली, राइट। सो द फ्लावर्स विच आर एंटोमोफिलस इन नेचर, दे हैव सम स्पेसिफिक फीचर्स लाइक ब्राइटली कलर्ड, दे आर शोई, दे हैव नेक्टर, दे हैव फ्रेग्रेंस एंड पोलन ग्रेन्स आर एडिबल, सो दे कैन अट्रैक्ट द डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, and thereafter they may have pollen kit, right? So these all are characters making facilitated the flowers to get pollinated by the different organisms, okay? So till now we have discussed about the types of pollination and the different major types of pollination in the chapter we have. Then after we will be moving on to the fertilization topic, okay?